हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखेंगे आप लोगों के पार्टनर्स की कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए करंटली, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट पर रीडिंग करें, तो भाई डेली जो रीडिंग आती है वो नो कॉन्टैक्ट पर ही आती है, ठीक है। सो थोड़ा सा ना अपना फोकस करके टाइटल जो है ना वो देख लिया करें कि रीडिंग किसके बारे में है। नो कॉन्टैक्ट के लिए डेली रीडिंग आती है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही हैं, लाइक उनके उनके पार्टनर से, उनके पर्सन से कोई किस्म का, किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, बात ही नहीं हो रही है, उन्हीं के लिए रीडिंग होती है डेली मेरे इस मेन चैनल पर, ठीक है। ताकि आप डेली जो है उनकी एनर्जीज देख सको, चेक कर सको कि वो इस टाइम आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। सो थोड़ा सा फोकस करके, आई थिंक आपको पढ़ना तो आता ही है ना इंग्लिश, तो थोड़ा सा फोकस करके टाइटल को और थंबनेल के ऊपर देख लिया करें क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है। सो लेट्स सी, चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल पे क्लिक करें ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनके पार्टनर से, उनके पर्सन से, जो भी कोई आपके एक्स हैं, आपके कोई एक्स पर्सन, आपके एक्स लवर, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स फियांसी, वो इस टाइम करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, जिन लोगों का टोटली ब्रेकअप हो चुका है, टोटली नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी बातचीत नहीं है, उनके लिए रीडिंग है। अपने पर्सन पे फोकस करिए एंड वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सके। पर्सनल रीडिंग्स की सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मेरा ईमेल, मेरा इंस्टाग्राम आप चेक कर सकते हैं, मेरे इंस्टा को भी ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पर भी डेली इंग्लिश में शॉर्ट रीडिंग्स जो हैं वो पोस्ट की जाती हैं। एंड स्टे एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें जो हैं वो कोट्स या वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पर फोकस रखिए जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, देखते हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, टू डेज उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर आज की। फर्स्ट वी हैव पैशन, देयर इज योर सैजिटेरियस, इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव कंप्लीशन and then we have growth। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस की एनर्जी। डेफिनेटली गाइज, ये जो भी इंसान है आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है इस टाइम, राइट नाउ आपका टोटली एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है जो मुझे एट द सेम टाइम डेथ का इंडिकेशन भी दे रहा है। इस पर्सन का स्टार साइन स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस एंड एरिस लियो सैजिटेरियस। या सो गाइज, ये जो भी है ना जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस टाइम, ये आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से भी आपके साथ एंडिंग की है, जिस तरह से भी आपके साथ कनेक्शन एंड की है ना, ये उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सैड है। यस, इनको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई बहुत ही अपना क्लोज वंस जो है वो खो चुका है, या हो सकता है इन्होंने, मुझे लग रहा है शायद इनकी लाइफ में किसी की रिसेंटली, सॉरी टू से बट आई थिंक यहाँ पर किसी की डेथ हुई है, हो सकता है इन्होंने बहुत ही अपने क्लोज वन को खोया, कोई बिलव्ड वंस को, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है इस टाइम और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। यस, अदरवाइज ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो आपके साथ जो भी एंडिंग हुई है ये अपनी लाइफ में अपने आपके साथ जो भी चैप्टर था उसको क्लोज कर चुके हैं, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन किसी से आपके बारे में जो है बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आई थिंक दिस पर्सन इज़ शेयरिंग विद समबडी के ये आपके लिए जो भी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि ये आपके साथ तो चीज़ें सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर क्लोज कर चुके हैं, बट स्टिल ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लेकर इनकी काफ़ी ज़्यादा इनको याद आ रही है आपकी, जो पास्ट में आप एक दूसरे के साथ थे। यस, तो ये चाहते हैं कि दोबारा से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, दोबारा से ग्रोथ आए, और इस टाइम आई थिंक या तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका यहाँ तो सेपरेशन चल रहा है, या फिर किस तरह से कोई लीगल इशू चल रहा है, आपके कोई डिस्प्यूट हुए हैं, कोई फाइटिंग वगैरह हुई है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि अब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, जो एंडिंग हो चुकी हैं वो दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो, ताकि आप दोनों के दरमियान बैलेंस बने, कनेक्शन जो है उसकी दोबारा ग्रोथ आए, बिकॉज ये चाहते हैं कि दोबारा से ये चीज़ जो है ना, जो भी आपका कनेक्शन है वो जो ख़त्म हो चुका है उसमें दोबारा से ये सीड लगा के उसकी दोबारा ग्रोथ चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहता है गाइस ये पर्सन। हो सकता है इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ अनफेयर किया ये उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी है, जैसे आपको छोड़ने का काफ़ी दुख हो रहा है, आपने इनको छोड़ा है, हो सकता है आपने छोड़ा हो, ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे,
क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह हो रहे थे, काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हो इनसे, और आई थिंक इस पर्सन को आपने छोड़ दिया खुद ही। बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपनी फीलिंग्स बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मुंह बना के सारे खड़े हैं। इट मीन्स कि कोई ना कोई आपका ऐसा क्लैश रहा है, ठीक है, जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, अब हार्मनी बनाना चाहता है गाइस ये पर्सन। क्योंकि मुझे लग रहा है आप दुख में भी इनका आपने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, ठीक है, तो ये अब उन सब जो मोमेंट्स हैं उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कि आप इस पर्सन को कैसी आप इनको समझाते थे, इनका साथ देते थे, आप इनके हर अच्छे बुरे टाइम में इनको सपोर्ट करते रहे हो, आप सपोर्ट सिस्टम रहे हो, तो इसने फिर भी किसी ना किसी वजह से आप लोगों से झगड़ा किया या आप लोगों के साथ ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो ये आप चाह रहे हैं कि दोबारा से इनकी लाइफ में जो ये चीज़ें एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन अ सैड सिचुएशन, तो ये चाहते हैं अब यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो सन जहाँ पे भी आता है सन तो वहाँ पे खुशी की बात करता है, तो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो आपके जाने के बाद सैड सिचुएशन बन चुकी है, अब दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि वही खुशियाँ दोबारा लौट के इनकी लाइफ में आए। यस, ऐसे मातम की टाइप की एनर्जी आ रही है, जैसे ये पर्सन बहुत ही ना एक उस सिचुएशन में है, बट आई थिंक ये किसी से शेयर कर रहे हैं आपके बारे में जो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक आपको बताना भी चाहते हैं जो फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, अगर आप लोग इनसे मैरिड हो ना या मैरिड थे, तो हो सकता है अपने घर वालों के साथ भी इनके काफ़ी ज़्यादा झगड़े अब हो रहे हैं, शायद घर वालों की सुन के इन्होंने आपको छोड़ा हो या आपके साथ एंडिंग कर ली हो, तो उस चीज़ का भी काफ़ी अफसोस हो रहा है। अगर तो पूरा आपका डिवोर्स हो चुका है, सॉरी टू से, बट आई थिंक ये चीज़ें हो चुकी हैं एंडिंग, तो ये शायद आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुली एनर्जी में है और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इनको माफ़ तो कर दो ना, चलो चीज़ें तो ठीक नहीं हो सकती बट आप माफ़ कर दो इनको। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स आज की, क्या फीलिंग्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। वी हैव फाइव ऑफ वांड्स, यस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के रहे हैं, कॉम्पिटिशन रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे। टू ऑफ स्वॉर्ड, आई थिंक इसने गाइस किसी और की सुन के आप लोगों से झगड़ा किया है, दैट्स वाई अभी ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि आप किस मुँह से ये पर्सन वापस आए और आप लोगों से सब चीज़ों को बैलेंस आउट करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड अगर आपने भी छोड़ा है ना इसको, तो ये पर्सन आपसे झगड़ा बहुत करता था, दूसरों की वजह से आपसे लड़ना, आपके लिए डिफेंसिव होने की बजाय ये पर्सन दूसरों की सुनता रहा है, दूसरों को प्रिटेंड, मतलब आपको प्रिटेंड ऐसे ही करता रहा है, ये आपके साथ है लेकिन शायद दूसरों को लेकर काफ़ी डिफेंसिव रहा है, दूसरों के लिए लड़ता रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये आना चाहता है गाइज आपकी तरफ, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग की एनर्जी है, एंड यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपने इस कनेक्शन में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, बट स्टिल इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ कॉम्पिटिशन किया है, हमेशा झगड़ा किया, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हमेशा लड़ाई की है, तो आपने अपनी तरफ से जितना इन्वेस्ट करना था, यू गाइज ऑलरेडी डन, अब इस पर्सन की बारी है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा इनके दिल और दिमाग की जंग चल रही है, क्योंकि इनको इस टाइम क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई इमोशंस हैं भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि पास्ट में ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा कर चुका है आप लोगों के साथ, आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी कॉम्पिटिशन दिख रहा है मुझे गाइज यहाँ पर आप लोगों का, आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है आपकी, बट स्टिल ये जो कहीं ना कहीं नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये डर भी रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, बट स्टिल इनके अंदर अभी थोड़ी सी हिम्मत की कमी है, दैट्स वाई वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा डिसीजन फाइनली ले पाएँ, क्योंकि इनडिसाइसिव की एनर्जी है यहाँ पे, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ ये पर्सन, इसको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ों को आप ठीक कैसे करें, अगर करता भी है तो आप करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते, ये चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन चल रही है, बिकॉज इनको फील हो रहा है शायद आप लोग इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हो, आप एंड कर चुके हो इनके साथ कनेक्शन, अब आप लोग नहीं रखना चाहते इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन।
एरिस लियो सैगिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है 25, 29, 27। डेट ऑफ बर्थ एज हो सकती है इस पर्सन की 2579। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनका या फिर आपका। देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस गाइस, ये विक्ट्री चाहते हैं। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी मैरिड, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं इस पर्सन से, एंड ये पर्सन अपने बच्चों को भी काफ़ी मिस कर रहा है अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्टिल ये आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, ताकि आपके जो भी बच्चे हैं वो आगे से किसी भी तरह से उन पर कोई इम्पैक्ट बुरा ना पड़े या वो सर्वाइव ना करें, ऐसी कुछ दिख रही है। क्योंकि चाहे किसी भी तरह की कोई सिचुएशन बनी हो स्पेशली मैरिड पीपल में, तो वहाँ पे आप लोग तो आपस में लड़ लेते, मतलब जो दो लोग हैं मैरिड वो तो आपस में लड़ के जिस तरह भी कुछ कर लेंगे, लेकिन सफ़र बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन इस पर्सन के माइंड में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका आपस में क्लैश चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई लीगल इशू चल रहा है, तो गाइस यहाँ पे सफ़र आपके बच्चे कर रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट बुरा जाएगा। सो ये पर्सन इस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है आप। बट आई थिंक इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश हो और बच्चे आपके साथ काफ़ी खुश हैं, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं, ये पर्सन कोशिश करना चाहता है, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको आगे कनेक्शन बढ़ाने का प्रपोजल देना चाहता है। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स के किसी तरह से ही कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए आपका, क्योंकि ये बच्चों की तरह आपको चाहता है। यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, नंबर 8। ये पर्सन को लगता है आप इसको काफ़ी ज़्यादा हील कर सकते हो, आपकी आपका टच, आपकी एनर्जी काफ़ी सूथिंग है। ये जब आपके साथ होते थे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कम्फर्ट फील करते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करता था ये पर्सन, ठीक है। बट आपके जाने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इस पर्सन का सपोर्ट सिस्टम थे, काफ़ी ज़्यादा आपने इसको हर चीज़ में सपोर्ट किया। बट इस पर्सन ने अब रियलाइज़ हो रहा है, पहले तो कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ, बट अभी रियलाइज़ हो रहा है, तो फाइनली आना चाहते हैं आपकी तरफ। नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28 एज, डेट ऑफ बर्थ 26 एज, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 6, 8, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस लियो सैगिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी लिब्रा टॉरस ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे वैसे स्कॉर्पियो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, एंड सैगिटेरियस भी। लेट्स सी मोर, बट आई थिंक ये डेफिनेटली गाइस किसी ना किसी तरह से अपनी पावर में आके आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप इनके जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा उसी तरह स्ट्रॉन्ग हो जिस तरह आप पहले स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी पावरफुल हो आप। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस मैन हैं और कुछ लोग आई थिंक यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, कुछ ना कुछ लॉयर की एनर्जी भी दिख रही है, यू नो लॉयर, जज। बट आई फील ये पर्सन देख रहा है आप इनके जाने के बाद, कनेक्शन ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी खुश हो, आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो, वैसे ही आप लोगों में वही एनर्जी है। देन वी हैव द टेम्पल पाथ। यस, ये काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो रहा है ये पर्सन। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 ये पूजा वगैरह कर रहा है, यू नो नमाज पढ़ना, यू नो इस तरह की कुछ रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा है, जिस भी रिलीजन से ये है, क्योंकि यार टेम्पल पाथ की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट से, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड है ये पर्सन। देन वी हैव 4th चक्रा, हार्ट चक्रा की बात हो रही है, ये अपना हार्ट चक्रा आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं इस टाइम, जो भी ये फील कर रहे हैं ना दिल से, ये अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं इस पर्सन के इमोशंस, काफ़ी कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो ये अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड आई फील ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार बने, इनके आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत हो, वही इमोशंस हो जो पहले थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, ताकि आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके दोबारा से कनेक्शन को ठीक करो। तो 38 इनकी अपनी एज हो सकती है, 8 + 3 = 11, नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखना, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन में आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो मैं गाइडेंस बताती हूँ उसको फॉलो किया करें, डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वी हैव बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अपने आप पे प्राउड रखो गाइस, आप जो कर रहे हो सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें आप लोग, और जो आपके लिए बेटर है आपने वो करना है। टेक अ रियलिटी चेक, जो भी रियलिटी है उसको ज़रूर फोकस करना है, किसी भी तरह के इमोशंस में आपने बह नहीं जाना,
ठीक है, जो कुछ भी आप चाह रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, क्योंकि प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर प्राउड करो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप खुद अच्छे हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोगों को अपने आप पे, एंड टेक अ रियलिटी चेक, बट रियलिटी को भी साथ ले लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि रियलिटी कुछ है बट आप लोगों ने अपने माइंड में कुछ और ही चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। या जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो चाहते हो, उसमें साथ साथ रियलिटी को भी फोकस करना है। एंड यहाँ पर हमारे पास है लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट पे फोकस करिए, जो भी प्रेजेंट है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में, स्टे इन योर प्रेजेंट एंड लिव इन योर प्रेजेंट। या फोकस अपने प्रेजेंट पे करना है, पास्ट को छोड़ दें पीछे, जो कुछ हो चुका हो चुका, अब जो आपके लिए बेटर है वो करो, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।